को यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए ना तो यूलर थ्योरम के स्टेटमेंट क्या होता है वो भी ले लेता हूँ हाँ जी तो इस यूलर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन u है वो होमोजिनियस फंक्शन है डिग्री n का किस x और y में देन क्या होगा x डेl u ओवर डेl x प्लस y डेl u ओवर डेl y इज इक्वल टू क्या होगा n u मतलब एन क्या है यहाँ पे एन इज नथिंग बट डिग्री ठीक है अब डिग्री होमोजीनियस फंक्शन का क्या होता है पहले जो भी यूनि होमोजीनियस फंक्शन दिया होगा उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे अगर होमोजीनियस फंक्शन दिया होगा तो उसका पावर भी ऑब्वियसली सेम होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रेस्ट बास प्लस वाई रेस्ट टू दावर सिक्स ये एक फंक्शन है होमोजीनियस है क्यों होमोजीनियस है क्योंकि एक्स की पावर और वाई की पावर सेम है ठीक है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं किस फॉर्म में एक्स तो स्क्सोमेटर okay. में क्या आ सकता है one plus y by X, 6, तो ये जो पावर बनी आपकी इसको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स रेस्टू दावर माइनस फोर और वन प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई बाई एक्स होल रेस्टूआर सिक्स एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एफ ओके विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स ओके एंड यहां पर जो एन है वो है माइनस फोर एन इज माइनस फोर सो एन इज यिग्री सो एन डिग्री कितनी यहाँ पे माइनस फोर डिग्री तो इस एक्सप्रेशन में के लिए अगर मैं यूलर्स थ्योरम यूज करूं तो उस केस में क्या होगा आप ऐसे लिख सकते हो x इंटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल ओवर डेल वाई इक्वल टू एन क्या है आपका माइनस फोर सो यू कैन राइट माइनस फोर यू ओके एंड वॉट इज योर यू यू इज नथिंग बट दिस वन सो दिस इज ऑफ यूलर्स थ्योरम अब इसी यूलर्स थ्योरम का यूज करके मुझे ये प्रूव करना है आई होप यूलर्स थ्योरम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गया होगा तो इसको प्रूव करते हैं चलो हाँ जी तो हमें प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन ठीक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू व्हाट इज यू यू क्या है ये ठीक है अच्छा तो जब ये यू है तो यू लिख लेते हैं यू इज इक्वल टू व्हाट इज यू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई ठीक है अब क्या ये यू होमोजीनियस फंक्शन है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली साइन का जब एक्सप्रेशन आप करोगे सो इट विल गो अप टू इन्फिनिटी है ना जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये इन्फिनिटी तक टर्म्स आएंगे इसके सो so, इसकी डिग्री निकालना थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पे हमें तो मुझे डिग्री अगर निकालनी है मुझे होमोजीनियस फंक्शन मतलब ये नहीं बनेगा है ना सिंपल से यह मतलब तो अगर इसकी डिग्री निकालनी है होमोजीनियस फंक्शन है तो एक काम करता हूँ इस साइन को यहाँ ले आता हूँ या ऐसे कह लो दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो विल बी थीटा थीटा यहाँ पे क्या है एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई अब जरा बताना जरा ये साइन यू है ये होमोजीनियस है कि नहीं है यस इट इज हंड्रेड परसेंट होमोजीनियस अब मैं क्या इस पे अगर ये होमोजीनियस है साइन यू तो क्या इस साइन यू पे जो कि फंक्शन है यू का इसको मैं एक अदर अनदर नेम ले, ले लेता हूँ डब्ल्यू क्या ये डब्ल्यू जो है अब नॉट डब्ल्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू इज एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई क्या ये होमोजीनियस है यस इट इज होमोजीनियस वाई इट इज होमोजीनियस क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पावर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है ठीक है तो एक काम करते हैं हम लोग ये ऐसे कह लो कि इसको हम ये जो एक्सप्रेशन है इसमें चेंज कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं क्योंकि जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया तो वो फंक्शन आपका होमोजीनियस हो जाएगा यस तो एक काम करते हम लोग हमने डब्लू किसको लिया था डब्लू लिया था साइन ऑफ यू को ठीक है अब ये डब्लू अगर होमोजीनियस है तो इसको इस फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं ओके सो लेट मी राइट दिस वन x डेल del डेल uh, over del डेल plus y del डेल over del डेल वाई इज इक्वल अब इसमें what इज n what इज n here आगे तो w आएगा व्हाट इज n यहाँ पे n क्या है इसकी डिग्री क्या होगी जरा देखना जरा इसको जब एक्सप्रेस करेंगे x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं ठीक है और नीचे से denominator में एक्स रेस्ट टू दी दावर हाफ है ये कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा हमारा फंक्शन वन अपॉन वाई बाई एक्स और नीचे बन जाएगा वन अपॉन रूट वाई बाई एक्स ठीक है मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आपका बन गया फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है तो इसकी डिग्री देखो यहाँ से क्या आ रही है दिस इज एक्स रेस्ट टू दी पावर वन माइनस हाफ ओके सो दैट इज एक्स रेस्ट टू दी दावर हाफ सो वॉट इज योर एन एन इज यर हाफ तो यहाँ पे हाफ लिख सकता हूं मैं ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं इज इट ओके क्योंकि यहां पे इसके साथ मैच कर लो सो आई थिंक इट इज वेरी सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर यू होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का एक्स और वाई में तो मैं यू को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मीन्स यू को नहीं मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल सेटिस्फाइड मीन्स एक्स और डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू और डेलवाई क्वल टू एन यू यू अगर होमोजिनियस है तो तो मैंने यू की जगह किसको होमोजिनियस देख लिया है पे w. W है तो उसके लिए भी ये चीज फॉलो होगी यस yes? तो डब्ल्यू के लिए मैंने ये एक्सप्रेशन लिख लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे होमोजीनियस था तो डब्ल्यू होमोजीनियस था तो डब्ल्यू भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ठीक है अच्छा और इसमें एन क्या आया डिग्री क्या आई थी हमारी हाफ आई थी तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एन के प्लेस पे हाफ लिख दिया ठीक है यहां तक क्लियर है ओके अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है कि डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वाई ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए बट हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकली है वो निकली है डेल एक्स डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डब्ल्यू ओवर डेल वाई तो क्या मैं इस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स येस इट इज पॉसिबल हाउ बिकॉज यू इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई सो वॉट इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन डब्लू एंड यू इज डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन यू सो डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स इज नथिंग बट कॉस यू डेल यू ओवर डेल एक्स इज इट ओके ठीक है एंड मुझे एक और एक्सप्रेशन चाहिए वाई में so let me write del w sorry this is w del w over del y is nothing but cos y cos u del u over del y isn't it you you can see अब यहां तक तो i think ठीक होगा है ना ये स्टेप मैंने क्यों किया why i have done this step because मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए थी वो ये चाहिए x del u over del x plus y ओवर डेल वाई बट मेरे पास जो एक्सप्रेशन अभी है वो ये है एक्स डेल डब्ल्यू प्लस वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ से और इसकी भी वैल्यू मैंने निकाल दी है इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ ठीक है तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्लग करूंगा तो देखो क्या होता है x डॉट यहां पे आ जाएगा आपके पास कॉस यू डेल यू ओवर डेल एक्स ठीक है प्लस वाई इंटू कॉस यू डेलू ओवर डेल वाई ठीक है इज इक्वल टू हाफ एंड डब्लू इज नथिंग बट व्हाट इज डब्ल्यू डब्लू इज साइन यू ओके नाउ यू सी व्हाट एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग एक्स डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो अपने पास आ जाएगा एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस कॉस यू एंड दिस इज नथिंग बट ये तो आपको पता ही होगा ठीक है सो वी आर गेटिंग फाइनली हाफ ऑफ टेन यू आई थिंक

Okay, thank you so much. See you in the next video.